भाई जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी मिटी माइटी था कयो ऐं हुननि जी मीटिंग करण लाइ होटल जा ख़र्च करे रहिया आहियो त तव्हां जे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी आहे। Rishto.com जो Rishto Meet हिकु शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तव्हां खे बिल्कुलु फ्रीअ में मिलंदो, पोइ भले तव्हां जी मेंबरशिप हुजे या न, हिते 10-15 माण्हू आराम सां ऑक्यूपाई थी सघंदा आहिनि। त पोइ देर छा जी, अॼु ई विज़िट कयो Rishto Meet में। Rishto.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates sare online se bhi saste. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. Aaj hi aaiye aur consumer appliance le jaiye easy EMI par. भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रनी द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ सनसनीखेज बयान आने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां मंच पर कुमार ऐलानी भी उपस्थित थे और उनको ऐसे बयान देने से रोकना चाहिए था। साथ ही राजेंद्र चौधरी ने यह भी कहा है कि शिंदे और भाजपा की सरकार बनने के बाद कुमार ऐलानी को करोड़ों रुपए का फंड मिला है और इतना तक कह दिया कि कुमार ऐलानी एक कमजोर नेतृत्व के उम्मीदवार है। आज जो भी बयान मुख्यमंत्री के लिए दिया गया है उसका खामियाजा आने वाले समय में कुमार ऐलानी को भुगतना पड़ेगा और सही समय पर इस बयान का जवाब देना और लेना शिवसेना को आता है। शिवसेना की प्रतिक्रिया ऐसी है कि जब माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब इन्होंने हिंदुत्व के लिए, बाला साहब के विचारों के लिए, बाला साहब के विचार को लेके और ये शिवसेना जिंदा रखने के लिए जो निर्णय लिया और वो निर्णय लेने के बाद में बीजेपी के 105 एमएलए हिंदुत्व के लिए सत्ता में आए और पूरे देश में हिंदुत्व के लिए सत्ता में शिंदे साहब का बड़ा योगदान है ऐसी चर्चा होने लगी और हिंदुत्व के लिए योगदान देने वाले शिंदे साहब को भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और केंद्र के सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी के वहां पर आज के उम्मीदवार भूतकाल के आमदार कुमार ऐलानी और वो वहां पर थे, उन्होंने उनको रोकना चाहिए था, उन्होंने उनको बोलना चाहिए था कि ये बातें तुमने कही ये गलत है। गलत इसके लिए मैं बोलूंगा कि जब 5 साल पहले कुमार ऐलानी चुन के आए थे तो विरोधी पार्टी में बैठे थे, विरोधी दल के साथ बैठे थे, उनका कुछ उल्लासनगर के लिए योगदान नहीं हो रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था और उसके बाद में जब सत्ता आई केवल शिंदे साहब ने ये हिंदुत्व के लिए सत्ता बनाने के लिए, बाला साहब के विचार जीवंत रखने के लिए सत्ता बनाई और फिर वो सत्ता बनने के बाद उल्लासनगर के लिए करोड़ों रुपए का फंड कुमार ऐलानी के माध्यम से आया, उसका ख्याल उन्होंने रखना चाहिए था। और जो अपना जिला अध्यक्ष शिंदे साहब के लिए कुछ गलत बयान करता है तो गलत बयान के बारे में उनको रोकना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था ये बयान तुम्हारा बराबर नहीं है। ये जो कुमार ऐलानी ने उनको रोका नहीं और बोला नहीं, यही कुमार ऐलानी आमदार होके भी उनकी ये कमजोरी है ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ ही साथ में जो भी जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने जो कुछ भी बयान किया है वो उनकी आदत है और उनका वो मानसिकता है कि वो ऐसे बयान हमेशा करते रहते हैं। और मुझे तो लगता है कुमार ऐलानी और उनका जमता नहीं है, वो भी इच्छुक थे, उनको उम्मीदवारी मिली नहीं है और कुमार जी को गिराने का काम मेरे को लगता है प्रदीप रामचंद्रनी जी बराबर ढंग से कर रहे हैं। बयान भाजपा द्वारा नहीं रोका गया या पीछे नहीं लिया गया तो आपका आगे का निर्णय क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में
जो भी उन्होंने कहा है खुद उसने हमारे मुंह से गलत कुछ उच्चार निकले हैं, गलत बातें निकली है, उसका हम माफी मांगते हैं। ऐसा बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका भोगत जो भी कुछ नतीजा है वो भोगना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। महायुति से महायुति के उम्मीदवार है कुमार ऐलानी जी और उल्लासनगर में बड़े पैमाने पे विविध पार्टियों से प्रवेश हो रहे हैं, गठबंधन बनाए जा रहे हैं, लेकिन उधर कहीं भी शिवसेना के नेताओं को बुलाया नहीं जा रहा है, तो किस तरीके से शिवसेना इसका विरोध करेगी? नहीं, वो उनका मामला है, उनके पार्टी में कौन आता है कौन जाता है वो उन्होंने देखना चाहिए, हमको बुलाए नहीं बुलाए उनके लिए वो उनका काम वो करेंगे, लेकिन हम हमारा काम करेंगे और हमको सही वक्त पे क्या जवाब देना है और क्या जवाब उनसे लेना है वो हमको अच्छी तरह। महायुति के गठबंधन में आज स्थाई पार्टी को जोड़ा गया, शिवसेना का विचार इसमें लिया गया था क्या? नहीं, हमको पूछा नहीं गया और उनको हमारा सलाह लेने की जरूरत नहीं है, उनका पार्टी अलग है, वो उनके पार्टी में किसको जोड़ना है और किसको निकलना है उनका अधिकार है, लेकिन महायुति के आप सदस्य हैं? महायुति के सदस्य है मैं, ये महायुति का उल्लासनगर विधानसभा का समन्वय भी हूँ, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि हमारे को इनको लेना चाहिए उनको लेना चाहिए, हमारे MLA तभी चुन के आएगा, तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम हमारा काम हमारे तरीके से करेंगे और हम हमारे जो भी बातें हमारे लिए गलत होगी उसका जवाब हमारे तरीके से देंगे। यहाँ खासदार शिवसेना के है और इस बारे में आप ये जो बोला गया इसके बारे में आप वरिष्ठों से चर्चा करेंगे? मैं जरूर वरिष्ठों से चर्चा करूंगा, वरिष्ठों से ये बातों में चर्चा करके जो भी निर्णय वरिष्ठों का आएगा वो निर्णय सब लोगों तक पहुंचा के जो हमको पार्टी का निर्णय करना है, पार्टी का निर्णय लेने का है, वो काम हम वरिष्ठ के आदेश से करेंगे।